एफ आई आर दर्ज हो जाएगी, मुझे लगता है मोहित जी और वो आकर के बताएंगे। मुझे प्रधानमंत्री जी हवा से आ रहे हैं 4:30 बजे, मुझे तुरंत वहाँ पहुँचना है, उनके स्वागत। राणा दंपते यांना न्यायालयीन कस्टडी देण्यात आले 14 दिवसांची, कसं पाहता आहे? बाजूलाच आपल्या इमारतीमध्ये राणा दंपत्यांची आता मेडिकल टेस्ट सुरू आहे। मला वाटतं की आता राणा दंपती पूर्णपणे कारवाई न्यायालयाच्या अधीन आहे, आणि एकदा कोर्टामध्ये कुठला मॅटर जातं त्यावर आम्ही काही भाष्य करू शकत नाही। राजद्रोहाचा गुन्हा जो आहे तो सांगण्यात येतोय। सगळे त्यांचा प्रकरण आहे, हा प्रकरण न्यायालयाकडे आहे, आणि न्यायालयाकडे असताना त्यावर भाष्य करणं उचित नाही। मोहित कंबोज यांचा एफ आय आर होत आहे का? मोठा दबाव टाकल्यानंतर एफ आय आर होत आहे सांगण्याचं? एफ आय आर होत आहे आणि एवढंच मी सांगेन, कुठला दबाव काय आहे नंतर ते जांच केल्यानंतर किंवा जांच झाल्यानंतर ऐसा कुछ नाही आहे। विभाग मे भी रहा हूँ, आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, कानून को अपना काम करने देना चाहिए। हम जो सत्ता में रहते हैं, हमारा काम होता है कि हमारे अधिकारी या हमारी जो काम कर रहे हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ढंग की ही जो मतलब हो रहा है, मतलब मैं तो इसके चिंता भी करता हूँ। रवि राणा को और नवीन राणा को जिस तरीके से जिसको कश्मीर भेज दिया गया है, उनका कहना है वो तो सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करना चाह रहे थे, इसमें एक चीज किस तरीके से डिसरिस्पेक्ट हो चुकी है, आप क्या कहना चाहेंगे? पूरा पूरा जो विवरण है, पूरी जो समस्या है, ये पूरा न्यायालय के पास पहुँच गया है। और जब कोई मामला न्यायालय के अधीन होता है, मेरे जैसे आदमी कोई वक्त उससे नहीं कर सकता। आप पुलिस स्टेशन में मिले हो, क्या हुआ है? मराठी नहीं दिया है, लिख रहे हैं चीजें, लिख रहे हैं। मुझे जल्दी निकलना था क्योंकि मुझे हवाई अड्डे पर जा करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी को स्वागत में रिसीव करना है। अब मोहित जी भी बार बार पुलिस कमिश्नर के ऊपर सवालिया निशान लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मूर्ति के साथ उन्होंने कंप्लेन देनी चाहिए थी, एफ आई आर दर्ज करनी चाहिए, ऐसा हुआ नहीं है, राज्य सरकार के अधीन है, मुंबई पुलिस उनके दबाव में है, क्या कहना चाहेंगे आप? एफ आई आर दिखाने के लिए मोहित कपूर जी उनके बताएंगे, क्योंकि एफ आई आर कंप्लेन लिखी जाने। थैंक यू सर।